पिलाएंगे पानी तुमको, नहीं पिलाएंगे, अच्छा हो गया, मिर्ची लगी, मजा आया हमको। ये तैयार हो रहा है हमारा सूप भैया, एडिटिंग के साथ साथ सूप की तैयारी हो रही है। सूप पीते रहेंगे, एडिटिंग चलते रहेगी और ताजा ताजा सूप हम पियेंगे, ताजा ताजा ब्लॉग आप देखेंगे। मजा भी को मजा। ओ बूम। हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद उस्मान गनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएसजी 92। तो गाइस, एक और नई सुबह हो चुकी है शिमला की वादियों में और आज फाइनली यहां से पैकअप करके निकल रहे हैं मनाली के लिए। और यहां की नई सुबह हो रखी है प्यारी प्यारी सी, एकदम खूबसूरत सी बारिश हो रही है, आप लोगों को दिखाता हूं बैक कैमरे से। चलिए एक नई सुबह के साथ साथ एक नई चुनौती भी आ चुकी है, भूख लगी है जोरदार, सब तैयार व्यार तो हो चुके हैं, नाश्ता करना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है शिमला में, कि यहाँ पर आसपास में होटल ज्यादा है नहीं, रेस्टोरेंट ज्यादा है ही नहीं, एक और दो होटल है भी तो हलाल नहीं होते। हाँ, तो चिकन वगैरह हलाल नहीं, मटन हलाल मिलती है, आपकी चॉइस का खाना मिलना नहीं है, टेस्ट वगैरह कुछ है नहीं। सुबह सुबह उठ के जाओ, फिलहाल नाश्ता करते हैं और भागते जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए, आपको ले चलते हैं कहाँ पर, मनाली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस, अभी आ चुके हैं हम लोग न्यू बस स्टैंड पर, यहाँ से मिलेगी वॉल्वो और गवर्नमेंट बस भी मिलेगी मनाली जाने के लिए। तो देखते हैं क्या फेयर है और टाइमिंग क्या होता है, देखते हैं पता करते हैं। अगर शिमला में स्नो नहीं हो रही है तो शिमला किसी काम का नहीं है, आपको कुफरी अटल टनल ये वो वगैरह वगैरह आपको घूमने जाना पड़ेगा जहाँ स्नो मिलेगी, वरना यहाँ पर ठंड के सिवा कुछ नहीं है। ठंड बहुत है, बाप रे बाप, बहुत है ना। और अगर जब भी आओ तो खाली कपड़े नहीं लाना गर्मी के, बदन ढकना है आपको, ये मास्क वास्क भी लेना पड़ेगा या तो मंकी कैप। हाँ, वरना नाक में से भी हवा जा रही है ठंडी ठंडी, जो कि बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ठंडी लग रही है। गांधी जी के पास कितने बंदर थे? तीन, मेरे पास दो है। ट्रेन में हाँ बैठ जाओ, पहुंचो, हम लोग आते हैं। किचन लोगे? बस हो गया, अभी ना अपना चलो जाओ, अंकल को पेमेंट करो, फटाफट जाओ। ये कितने भाई, कुछ भी दिख गया तो इनको लेना तो जरूरी है। इन्होंने खरीदारी कर ली, हम लोगों ने क्या किया, बस टिकट बुक कर लिया और सारी फैमिली को उनको बोला टैक्सी पकड़ के स्टैंड पर आ जाओ, तो वो लोग आ चुके हैं, जल्दी से उनको पिकअप करते हैं। हाँ तो भाई, हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है, शिमला से चले थे 7:30 बजे, 4:30 बजे मनाली उतर गए, सारे होटल बंद है। ये देखो, ये देखो, ये मॉल रोड है मनाली का, सारे के सारे होटल बंद है, ठंडी में खड़े खड़े अकड़ रहे, तो दवा से ठोक ठोक के थक गए। एक होटल मिल गया जैसा भी तैसा भी, उसमें ले लिए, उसमें स्टे करके सो जाएंगे फिर। तो भाई मिल गया रूम वूम, ये एंट्री उंट्री करवा लेते हैं। लीजिए कुमार भाई, एंट्री करिए। और ये देखिए इनकी हालत देखिए क्या हो चुकी है, क्या कुछ बोलने की हालत है, हिम्मत है? ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी बोल सकता हूँ। ये देखो छोटे, हाँ भाई, क्या भाई, कुछ बोलने की ताकत वाकत है क्या, हिम्मत है थोड़ी बहुत कुछ? तो हो चुकी है ये हालत, इसलिए कभी भी अगर शिमला से आप निकलो ना, तो वहां से 10 बजे के बाद की या 10 बजे की बस पकड़ो, ताकि यहाँ पे आप 6-7-8 बजे तक पहुंचोगे तो आपको सब खुला भी मिलेगा और धूप निकल चुकी, थोड़ा गर्म भी मिलेगा, मजे से यहाँ पे गर्म गर्म चाय पीना और सो जाना, सुबह उठ के घूमना, ये तो हमारी तरह आराम करना, सोते रहना शाम तक। तो गाइस, वो था रेस्टोरेंट और ये है हमारी कुछ बैल्कनी का व्यू, देखिए ऐसा कुछ हो रखा है, सामने ही स्नो वाले माउंटेन आ रखे हैं, वो देखिए थोड़ा नजदीक करता हूँ, ये देखिए, ओ माय गॉड, वहां तो देखिए, वहां तो कुछ स्नो मेरे ख्याल से सोचता है गिर रहा है पहाड़ से। तो ये दिखा देते हैं रूम, ये देखिए कुछ इस तरीके से रूम, सामान वगैरह आ गया, आते साथ ही बच्चे घुस गए थे बिस्तर में, देखो कुछ इस तरीके से रूम रखा है। तो भाई गाइज, शुरू करते हैं एक और एक नई शाम मनाली के नाम। सुबह तो हम आए, आकर ऐसा सोए है ना, 7 बजे सोए, शाम के 4 बजे उठे, हाँ, ठंडी के मारे उठने का दिल भी नहीं कर रहा था, हालत खराब, कल बस ने हमें बहुत ज्यादा टायर कर दिया, बहुत थक गए, बहुत परेशान हुए, वोमिट वोमिट, तो ऐसा सोए, ऐसा आराम किए कि आज उठ गए हैं, अब एक नई शाम आ चुकी है, निकलने वाले नीचे मॉल रोड चलते हैं। और ये देखो सब सारे रूम की हालत ऐसी, बस इसे छोड़ देते हैं इसको, और बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे दिखाते हैं, आओ
ओ तो तुम लोग यहाँ बैठे हो चुपके। हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सोचेंगे कि हम लोग गुड इवनिंग क्यों बोले, क्योंकि आज हम लोग ने इवनिंग में व्लॉग स्टार्ट करे, हम लोग पूरा दिन सोए ना इसके लिए। ओ गाइस देखो, ये हमारा सहारा है, ये बड़ा प्यारा। हमने क्या किया था, ये जो है ना वो टी मेकर है, कॉफी ऑफिस में बन जाती है, मैगी वैगी नूडल चूडल, और इसमें एग भी बॉइल हो जाते हैं। देखिए रात में कभी भूख लगी तो यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, 9 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोगों ने इस बिचारी मशीन को ले आए थे कि रात में कभी भूख लगे या सुबह जल्दी भूख लगी तो ठंडी में कौन उतरेगा, तो इसी में हम अपना नाश्ता वास्ता जो भी इंतजाम कर लेते हैं खा लेते हैं। तो अभी फटाफट बॉयल खा लेते हैं और मैगी शैगी कुछ भी खाते हैं, फटाक से नाश्ता करते हैं शाम में, फिर निकलते हैं नीचे और आप लोगों को ले चलते हैं कहाँ पर? मनाली। मनाली में तो है मॉल रोड। मॉल रोड यही का पचका पटेरी हो गई लोल, नहीं आवा ऐसा। पचका हो गया, मेरा पचका हो गया, मेरा पचका हो गया। तो चलो आप बिना देर किए बिना लेट किए फटाफट चलते हैं मॉल रोड। पापा पापा, गुलाब जामुन मिल रहे हैं। छोटे से नहीं, छोटे छोटे से गुलाब जामुन है, लाओ खिलाओ। फ्रेंड्स आ चुके हैं मॉल रोड पर, और मॉल रोड पे आते ही खाना पीना तो इन लोगों ने कर दिया शुरू। ये देखो दवा मिर्ची लगे नहीं पिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे पानी तुमको, नहीं पिलाएंगे। अच्छा हो गया मिर्ची लगी, मजा आया हमको नहीं पिलाऊंगा, नहीं पिलाऊंगा भाई गाइस यहाँ पर गुलाब जामुन इतने छोटे छोटे चुना मुना से, जितने छोटे उतने टेस्टी है, लग्जरी से मजा आ गया, बहुत खाए। लेकिन इस बच्चे को पानी भी लगा के लग गए मिर्ची। चलो चलो जल्दी देखते हैं कहीं पानी लेते पहले, फटाफट चलो। ये है बस स्टैंड, वहाँ टैक्सी स्टैंड, ये है मॉल रोड। तो ये कहाँ घूम रहे हैं हम लोग? ये हम लोग घूम रहे हैं मॉल मार्केट, नहीं मॉल रोड। यस मॉल रोड। वापस से एक बार हो गया याई का लॉल। देखो ये सारी दुकानें लगी पड़ी है, ऐसा एक यहाँ पर है गली और एक ये पूरा बहुत बड़ा सा लंबा सा है, आपको चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं मॉल रोड। और मैं हुक्का पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। कुछ इस तरीके से गर्म कपड़ों की दुकानें लगी पड़ी और बहुत सस्ते और चीप रेट मिल रहे हैं, पंजाबी गुजराती साउथ इंडियन भी मिल रहा है यहाँ पर, वेज मिल रहा है, जलेबी मिल रही है। सुखी भाई हमारे साथ में, सुखी भाई, सुखी भाई। कुछ इस तरीके से देखो नॉनवेज मिल रहा है, चिकन विकन सब मिल रही है। नॉनवेज तो सभी जगह मिल रहा है लेकिन सिर्फ हलाल नॉनवेज के होटल्स अलग है, आपको वही हलाल मिलेगा, बाकी हर जगह हलाल नहीं मिलेगा यहाँ पर। अच्छा हाँ यार, ये तो मेरे जितने हो गए, अब मुझे कैमरे लेके ऐसा बैठना नहीं पड़ेगा। ये देखो ये देखो यहाँ पर एक फायदा है, गर्म कपड़े जो है ना बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल रहे हैं, बहुत सस्ते मिल रहे हैं, हर चीज जैकेट से कैप वैप ग्लव्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है, और बहुत चीप रेट मिलता है यहाँ पर मॉल में। ले लो ले लो ले लो ले लो। लोग अपना फोटो दे दे रहे हैं और ये बोर्ड में चिपका के पेंटिंग कर दे रहे हैं, झाड़ पेड़ फूल पत्ते पानी वर्फ सब बना दे रहे हैं 350 रुपए बैठे। ये देखो ठंड, देखो पहले और उसमें इनको आइसक्रीम चाहिए, ये देखो ये बच्चे को आइसक्रीम चाहिए। कुछ नहीं मिलेगी आइसक्रीम, नहीं मिलने वाली, वही ऑफर लगा है 8 फ्लेवर एक कप के ऊपर आपको खाने मिल जाएगा 50 रुपए में। देखो ऑफर देखो कितना लगेगा। वाकई में यार स्नो बेचारा पड़ा, ये देखो मनाली में स्नो भी कचरे में पड़ा होता है क्या यहाँ वालों को देख देख के दिल भर गया और वहाँ वाले यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं हम देखने के लिए इतना टाइम निकाल के खर्चा करके। ये तो यार ये क्या कर रहे हैं, बेचरी कर दिया स्नो की यार। मम्मा पापा हमें क्या
आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी। मामा ये ऐसे करता है, थोड़ी खाता है और बोलता है, मम्मा को बोलता है कि तुम खा लो। मैं अब नहीं खाऊंगा नहीं, मैं तो भाग रहा हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं खाऊंगा। अब सीन ऐसा हो गया कि होटल तो मिल गया, फैमिली घूम गई, ढूंढ रहे बच्चे, चिल्ला रहे सबको, पता नहीं कहाँ चले गए, घूम गए, फोन भी नहीं उठा रहे। अब क्या मालूम यार, पहले उनको ढूंढते हैं, पहले उनको ढूंढते हैं, फिर खाना घूम रहे थे। हाँ अबे कब से तुम लोगों को ढूंढ रहे, खाना वाना खाने का कि नहीं खाने का? भाई शॉपिंग कर लो, फिर खाना ना रहने दो, प्लेटे प्याले वगैरह पसंद कर रहे थे ये सब। हाँ। तो पहले खाना ना खा लेते, बाद में सब शॉपिंग करो, बंद हो जाएगा होटल, भूखे रह जाओगे, 10 बज गए रात। ठीक है चलो। पहले थोड़ा खा लेते हैं और फिर बात करते हैं। सुबह हो गया खाना पीना, उतर गए नीचे आके, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, कल का दिन शायद उससे भी अच्छा जाएगा। और अब कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। तो एंड करने के लिए क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक और शेयर। अगर और? वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो भी कमेंट करना चाहिए। हर राय, हर इच्छा, जो भी आपकी मन में आपकी मंशा है वो सब कमेंट करके बता देना। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं एंड। इधर ही पीछे आ गई वो गाड़ी, अब वो भी है बड़ी जाड़ी, चली गई गाड़ी, कर देते हैं ब्लॉग का एंड। सो बाय।